सो हे गाइस, जो आज का वीडियो है वो आप लोग इस टाइप का एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, नवरात्रि स्पेशल मैंने तो कर लिया है, अब आपकी बारी। आप लोग मेरे जैसे फोटो को एडिट करना चाहते हैं नवरात्रि स्पेशल पे, तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग भी मेरे जैसे नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऐसी पिक्चर में। तो आप लोग कैसे हैं, ऐसा करता हूँ कि मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे नवरात्रि स्पेशल का फोटो एडिटिंग कैसे कितना मस्त और कितना अच्छा कर चुका हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं अगर मेरे वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तब। अब देख सकते मैं दो फोटो को एडिट किया हूँ अलग अलग बैकग्राउंड में और अलग अलग गर्ल के साथ। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा एडिटिंग का है, आप देख सकते हैं। और अब आप सबको मैं एडिटिंग का दिखा देता हूँ। यह है एडिटिंग का। यहाँ नेट को ऑन कर लेना है, आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। जो हम लोग बैकग्राउंड को इरेज करने वाले हैं वो ऑनलाइन इरेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर गूगल पर सर्च मारेंगे बैकग्राउंड रिमूवर। उसके बाद आने के बाद हम रिमूव इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज दिख रहा है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग जो भी आपको जो भी बैकग्राउंड इरेज करना होगा आप लोग यहां से फोटो को सिलेक्ट कर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना जो फोटो भी बैकग्राउंड इरेज करना है वो मैं ले लेता हूँ। ये रहा, अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग होने के बाद थोड़ा एक दो मिनट लग सकता है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा प्यूज कर दे रहा हूँ। आप देखिए मेरा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। उसके बाद हम डाउनलोड पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड अपने फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग जाएंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में। पी कार्ड में नहीं जाना है, ऑटोडेस्क स्केच बुक में जाना हो। गलती से पी कार्ड पर क्लिक हो गया। यहाँ इसको हटा लेंगे पहले तो। फिर हम लोग गैलरी में जाएंगे, उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड को लेंगे पहले। इसको सेव करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक में। हटा लेते हैं, हमारा आ चुका बैकग्राउंड ऑटोडेस्क स्केच बुक में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ अपना फोटो को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग फोटो को ऐड कर लेंगे। इस फोटो को ऐड कर लेंगे, गर्ल पीएनजी को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। आपको जो भी पीएनजी बैकग्राउंड में यूज करूँगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके अपने पीएनजी और बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। आप बार बार यही पास पूछते भाई कि बैकग्राउंड पीएनजी कहाँ से मिलेगी, तो मैं बार बार बताता हूँ कि टेलीग्राम से मिलेगी। यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं मैं तिलक पीएनजी भी ऐड कर चुका हूँ, यहाँ त्रिशूल भी पीएनजी ऐड कर चुका हूँ। मैं यहाँ वीडियो फास्ट कर दिया हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं जल्दी यहाँ सब कुछ ऐड करके अपने फोटो को अच्छे से मैं एडिट कर ले रहा हूँ। या जो भी पीएनजी है सब टेलीग्राम में मिल जाएगा आप सबको। एंगल भी पीएनजी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल पर कोई भी नया जुड़ा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने सबसे पहले मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। इसको मर्ज कर इसको हम लोग शेयर कर लेंगे सीधे लाइट रूम में। क्लिक करके अपने फोटो को शेयर करना है, उसके बाद जाना है हम लोग जाना है लाइट रूम ऐप में। आप लोग देख सकते हैं मैं जब फोटो एडिट किया हूँ होम स्क्रीन पर इसको सेव किया हूँ वॉलपेपर पर। ऑल फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फोटो को ऐड करेंगे। फोटो जब तक नहीं आता था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ फोटो हम लोग का आ चुका है, थोड़ा लोड लेगा। अब ऐसा लाइट पर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर को हम 10 कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेट को भी हम लोग
10-12 कर लेंगे, हाईलाइट को पूरा हम 50 कर लेंगे और शेडो को हम 50 ही कर लेंगे, 50-60 कर लेंगे, वाइट्स को भी थोड़ा कम कर लेंगे, 70 कर लेंगे, ब्लैक भी हम लोग 50-40 कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, दिखा देता हूँ अपनी साइज। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट में टेक्सचर को हम लोग 20 कर लेंगे, क्लियरिटी को हम लोग 10 कर लेंगे, दहेज को हम लोग 8-10 कर लेंगे, विजनेटल को हम लोग भी अपने हिसाब से कर लेना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग डिटेल में, आप देख सकते, दिखा देता हूँ एक दो बार। स्नैपी को हम लोग 30-40 कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करने से फ़ोटो फट जाता है। रेडियस को देख सकते हैं, डिटेल भी देख ले सकते हैं, मेकिंग को भी देख सकते हैं, नॉइस रेडियस आप देख सकते हैं, नॉइस को भी, रेडियस, डिटेल, कॉन्सोनेंट, ट्रेस्ट को भी आप देख सकते हैं, कलर नॉइस को भी देख सकते हैं आप लोग। और सर डिटेल को हम सॉव कर देंगे, स्मूथ निश्चित को भी हम लोग सॉव कर देंगे। अब साइज देख लीजिएगा, सेम अपने फोटो के हिसाब से करना है, तो अपने फोटो के हिसाब से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से करिएगा। पिंक कलर को इस साइड मतलब माइनस करेंगे और सैचुरेशन को हम लोग थोड़ा कम करेंगे, लैम्बुएंस को हम अपने हिसाब से कर लेना है और येलो कलर को हम लोग यहाँ भी अपने हिसाब से कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोग सेम कर लीजिए, मैं बताता रहूँगा आप लोग देखते रहेंगे, इसलिए अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लेना है, मेरे वीडियो को देख कर ही करना है, आप मनमानी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं फ़ोटो कितना अच्छा बन रहा है और कितना अच्छा दिख रहा है। आप लोग अपनी नवरात्रि भी इस तरह का एडिट करिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, आप अच्छे से जगह पर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करिए, चाहे तो यूट्यूब भी कर सकते हैं, अपने चैनल बनाए हुए तो। यहाँ हम लिप कलर करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, हल्का करना है, लड़कियों जैसे नहीं कर लेना है एकदम ज़्यादा। होने के बाद आप फोटो देख सकते हैं कितना मस्त, कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से कुछ कमी दिख रहा है तो आप लोग भी दोबारा से जाकर कलर में अपने फोटो को और चेंजिंग दे सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और ब्राइटनेस को हम लोग इसको ऑन कर देंगे दोनों को, यहाँ बहुत कुछ है जो आप अपने फ़ोटो में चेंजिंग ला सकते हैं और फ़ोटो को मस्त बना सकते हैं। यहाँ से इस टूल का यूज कर हम लोग और फ़ोटो को मस्त बना सकते हैं। अगर बनाना आप लोग चाहेंगे तो बना सकते, नहीं चाहते तो नहीं बनाइए, हमको तो बनाना है, हमको अच्छा और फ़ोटो को अच्छा बनाना है, मैं ज़रूर करूँगा। बैलेंस को भी, लेमोनियंस को भी आपको हिसाब से कर लेना है, इसलिए अपन फोटो को सेव कर लेंगे गैलरी में। मेरे वीडियो को शुरू से ला देख रहे, दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।